बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सने फैमिली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैर से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल खैर खैर से हूँ और जो भी मेरे देखने वाले अल्लाह ताला उनको खुश रखे और आबाद रखे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब बहन भाई से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं आई हूँ बाहर। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाने वाले हैं कुछ नया। तो आज जो है ना, हम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाने वाले हैं रेसिपी। तो अब वो जो है ना, हम जहाँ पटने जाएंगे वहीं पे आप लोगों को बताएंगे कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो ये आप लोगों के सरप्राइज़ है। हाँ जी। तो अभी जो है ना, हम पहुँचे हैं जहाँ पर आ रहे थे पटने के लिए। ये है फुमनी। हाँ फुमनी, आज जो है ना इसकी हम रेसिपी बनाने वाले हैं और आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हमारी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे चैनल को। तो अभी हम तोड़ते हैं इसे जी। आज की वीडियो भी बहुत ही अच्छी होगी। तो अभी हम तोड़ेंगे। देखिए, हमारे साथ डॉगी भी आ चुका है। ये हमारे साथ ही हर वक्त रहता है, जहाँ भी जाए, बाहर निकले नहीं, जहाँ बाहर निकले तो हमारे साथ आ जाता है। इसे मैं रोटी डालती हूँ ना सुबह शाम, इसलिए ये मेरा आदि हो गया है। हम तो अभी जो है ना, अम्मी तोड़ी है फुमड़ी। तो ऐसे ऐसे आगे भी चलते जाएंगे और बातचीत भी करेंगे आप सब बहन भाई से। तो ये जो हम बना रहे हैं आज रेसिपी, इसकी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही मज़ेदार। ज़्यादातर गाँव में जो है ना, ज़्यादातर यही मशहूर है। और जैसे ये साग बनता है, इसके जैसा ही साग बनता है ना। हाँ जी, जैसे साग ये गंदले पहले निकलती है ना, गंदलों में से ये गंदले खत्म हो जाती हैं, फिर ये इसका बूटा फूल तैयार होता है तो इसमें से फुमनी निकलती है। तो फुमनी का भी साग बनता है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा साग बनता है। तो आज जो है ना, ये हमारी पहली वीडियो है जो हम इसकी बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। हाँ जी, और आप लोगों ने मेरे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब। तो ये घास नहीं हो रहा था ना, इसलिए हमारे हमसायों ने पानी लगा दिया है ट्यूबवेल का। और ये जो हफ्ते और इतवार पानी आता है, आज जो है ना जुम्मा, कल हफ्ता होगा नहीं, हफ्ते एतवार तो नहर का पानी आता है। ये तो नहर का पानी नहीं आया, ये तो नहीं, ये जब भी चलवा लें ट्यूबवेल तो बिजली से चलती है, उससे पानी आता है। तो अभी जो हुसैन भी आ चुका है यहाँ पे खेल रहा है। ये हमारे साथ लकड़ी पड़ी हुई है, तो ये हुसैन कह रहा है कि इसमें सांप छुपा हुआ है। हुसैन जो है राखी में कह रहा है नांग छुपा हुआ है। हुसैन बहुत ही डरता है सांप से। हुसैन इधर आओ, होते भी हैं सांप। तो अभी हम जो है ना किचन में आ गए हैं और जो है ना फुमनी जो है ना वो अंदर ले आए हैं। तो आज इसका सालन बना देते हैं। इसमें ताज़ा अभी भी तोड़ फ्रेश है, ये देखिए फ्रेश माल है। इसे छोटा छोटा काट देते हैं और पानी को मैंने उबालने के लिए छोड़ दिया है और आग भी मैंने जला ली है। तो इसे गलने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और 20 मिनट आधा घंटा लग जाएगा इसे गलने। अच्छा, तो इसमें आज चिकन भी मिलाना है, कीमा ले आयो। हाँ, क्योंकि उससे जो है ना पहले तो सादा बनाई थी एक बार, आज हमने सोचा कि सादा नहीं बनी थी, उस वक्त भी हमने गंदले और फुमनी बनाई थी। हाँ, गंदले फुमनी। आज जो है ना इसमें कुछ चिकन का वो कीमा करके ना वो डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है क्योंकि जो है ना ये फ्रेश है ना, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फूल है। ये देखें, ये हमारे गाँव में मशहूर है। हाँ, जो है ना फुमनी जो है ना कटाई फुमनी की हो रही है ऐसे, तो इसको काट के अच्छी तरह से छोटा छोटा कुछ कर लेंगे, उसके बाद जो है ना फिर इसको बनाएंगे। हाँ, ऐसे भी डाल देना, फिर भी खाना जो है ना इसका सालन अच्छा बन जाता है क्योंकि ये फूल है ना, फिर इसमें कोई और चीज़ नहीं है ना, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे फूल हैं। हाँ, आपने भी खाना हो तो आ जाए। हाँ, बहुत से लोगों ने फरमाइश की थी कि जो है ना आपके जो गाँव में जो गंदला का साग होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है और फ्रेश फूल है ना। ये देखें, किसी ने मंगवाना हो तो आ जाता है, हम भिजवा देंगे। हाँ, तो अभी जो है ना पानी को भी उबाल आ चुका है। अब हाँ, ये कुछ इसमें डाल देती हूँ और थोड़ी सी बची हो फिर काट के डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अभी जो है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट ये जरूर डालते हैं, गंदलों के साग में भी डालते हैं और लाजमी इसमें डालते हैं फुमनी में। हाँ, तो इससे जो है ना खुशबू अच्छी आती है सालन की। हाँ जी, तो इसको बिल्कुल बारीक जो है ना पीसेंगे ऐसे ना। हाँ जी, बिल्कुल जो जैसे वो आटा नहीं होता पीस के फिर इसमें डालेंगे। तो मिर्चें नहीं थी तो अभी मिर्चें भी कर रहे हैं, बाकी मसाले तकरीबन सारे थे। हाँ जी, तो अभी इसमें डाल के फिर जो है ना ले जाते किचन में। माशाल्लाह से हमारी फुमनी अच्छी तरह से गल चुकी है, अब इसे इसका कड़वा पानी निकालेंगे। तो इसका कड़वा पानी निकाल के फिर जो है ना इसे बनाएंगे बनाएंगे ये देखिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से जो है ना अच्छी तरीके से गल गई है। तो अभी इसको अच्छी तरह से धोएंगे और इसकी पेड़ियां बनाएंगे ऐसे। हाँ जी, पानी जो कोड़ा पानी है ना वो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। हाँ, पेड़िया बनाए ना बनाए ये ऐसे ही बन जाता है। ऐसे भी बन जाता है, वैसे पेड़िया बना ले तो वो भी अच्छा होता है। तो अभी इसकी पेड़िया बना के ले जाते हैं और जो इसको बनाते हैं। इसमें घी डालते हैं, ये जो है ना घी इसमें ज्यादा डालते हैं ऐसे, क्योंकि ये इसमें फुमनी जो है ना मिक्स हो जाती है ना फिर साग बन जाएगा जी अच्छी तरह से। तो अभी जो है ना घी हमारा गर्म हो गया है तो इसमें लहसुन और अदरक का प्याज तो नहीं डालते इसमें, तो ये डाल देते हैं। हाँ, ये मिक्स होता रहे जाओ मिक्स करके टमाटर हरी मिर्च भी छोटा छोटा काट के ये डाल देते हैं। छोटे छोटे टमाटर काटेंगे ताकि अच्छी तरह से जल्दी जल्दी मिक्स हो जाए मसाले के अंदर। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। नीचे मोटी लकड़ी जलाई है ताकि जो है ना जलती रहे थोड़ी थोड़ी। इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं, 2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच लाल नमक। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए बाहर का माहौल। तो अभी जो है ना मगरिब का टाइम होने वाला है तो गांव का माहौल देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बाहर धूप निकली है ना। मैंने आपको नहीं बताया, ये देखिए कीमा और फुमनी एक साथ ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि कीमा और फूल बना रही हूँ। नहीं मैं भूल चुकी हूँ। हाँ भूल गए, मैं तो नहीं भूलूंगा। तो मैंने तो नहीं बताया ना, आपने बताया ना। तो गोश्त को जो है ना कुछ देर तक भून लगाएंगे अरे, फिर इसमें फूनी डाल कर उतार देंगे थोड़ी देर तक पैन से उतार देंगे। ये साग बहुत ही अच्छा बनता है, जैसे वो गंदला का साग बनता है ना वैसे बनता है ऐसे ना। देखिए हमारा कीमा और मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब इसमें फूनी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे नीचे उतारते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसे नीचे उतारते हैं। तो अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि किस तरह माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही जबरदस्त है, देखिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आज की वीडियो ये ख़त्म करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहन भाइयों को जो आज की हमारी वीडियो जो है पसंद आएगी। तो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बहन भाइयों के लिए हम बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।